बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर को वेलकम, और पुराने सब्सक्राइबर को तो वेलकम ही वेलकम है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्लावर ब्यूटीफुल बर्थडे केक। फ्लावर केक बहुत मज़ेदार और ब्यूटीफुल बन के तैयार होता है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने बॉयल में लिए हैं 2 अंडे और उनको मैं करूँगी बीटर की मदद से बीट। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड मिक्सर से भी बीट कर सकते हैं। तो देखें इतना मुझे उसको बीट करना है कि ये फल्फी और क्रीमी हो जाए अंडों को। बहुत ही मज़ेदार बर्थडे केक बन के तैयार होता है और ब्यूटीफुल भी। ज़रूर आप लोग रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना और फीडबैक मुझे ज़रूर देना कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अंडों को देखें मैंने 2 मिनट तक इतना बीट करा है कि ये थोड़ा सा फल्फी होना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर। पाउडर शुगर लिया है मैंने 1/2 कप। मेजिंग वाले कप जो होते हैं वो 1/3 कप लिया है। 1/3 कप मैंने लिया है शुगर पाउडर और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ अंडों में बीट करने के लिए। इसको भी बहुत अच्छी तरह से अंडों के साथ बीट करना है। 1/3 कप चीनी। तो इसको बीट होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं क्रीमी फॉर्म में आने के लिए। इस पर स्टेज पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जितना वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद फिर मैं इसको बीट करती रहूँगी। सब तरफ से इसको अच्छी तरह से करना है बीट। मिक्स करने के बाद इसको देखें इतना बीट करेंगे हम कि क्रीमी फॉर्म में आने लगेगा। अंडे जो है वो चीनी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और ये क्रीम की तरह एक बैटर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो घर में ही बहुत कम प्राइस में आपके बन के तैयार हो जाएगा। और मुझे लगता है ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। जो बेकिंग लवर्स हैं उनके लिए रेसिपी बहुत मज़े की है। तो देखें क्रीम शक्ल में आने लगी है हमारी ये बेट करने के बाद। देखें कुछ इस तरह से ही क्रीमी हो गए हैं अंडे और वनीला एसेंस और चीनी मिला के। अब मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा भर के। इसमें मैं डाल रही हूँ छलनी के अंदर ताकि हम छान लें उसकी एयर निकल जाए। और उसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और मैदे को छानने के बाद इसको मैं कर रही हूँ फोल्ड। अब बीटर से मिक्स नहीं करना है, अब सिर्फ हमें इसको एयर ना निकल जाए इसलिए सिर्फ फोल्ड करना है क्लॉकवाइज में कट एंड फोल्ड वाले मेथड के साथ। इतना करना है। अगर आप इसके इतना आपके पास से थोड़ा गाढ़ा होने लगा तो आप थोड़ा दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको कर रही हूँ मैं बेक। मैंने पैन को पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ, उसमें मैदे को डस्ट कर लिया था और मैं इसको कर रही हूँ बेक। मैं कर रही हूँ देगची में बेक। आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं। ओवन की टाइमिंग होती है 25 मिनट और बेकिंग देगची में करेंगे तो 35 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे। ये मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम और व्हिपिंग क्रीम को मैंने बीट करके फल्फी कर लिया था। इसके अंदर मैं कलर शामिल कर रही हूँ, येलो कलर, ग्रीन कलर चाहिए होगा मुझे और पिंक कलर। तो 3 हिस्सों में मैं क्रीम को मिक्स करके रख रही हूँ। क्रीम को थोड़े थोड़े पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके 3 कलर में मैंने मिक्स कर लिया है, ग्रीन, येलो और रेड। केक को कट करके ठंडा कर लिया है। इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे अब। तो सबसे पहले केक के ऊपर मैं सोक कर रही हूँ कॉकटेल के जो अंदर सिरप होता है शुगर सिरप, उसके साथ इसको सोक करेंगे। सब तरफ अच्छी तरह से शुगर सिरप को मिक्स करके सोक कर लेंगे केक को। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम है मेरे पास 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेके मैंने उसको इतना बीट किया कि वो एक बॉल की तरह भर गई है। इस स्टेज पे आपकी क्रीम भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और केक भी बिल्कुल ठंडा हो। अब मैं इसके ऊपर कॉकटेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो चोको चिप भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो वाइट चोको चिप या चॉकलेट चिप डाल सकती हैं। मैं इसमें कॉकटेल डाल रही हूँ, आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जो सूटेबल लगे आपको। ये बेसिक स्पंज है केक बनाने का, इसके ऊपर आप कोई सी भी ब्यूटीफुल डेकोरेशन कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से अपनी पसंद से। इसमें आपकी चॉइस है। इसमें मैं डाल रही हूँ कॉकटेल, इसके ऊपर मैं दूसरा स्पंज भी सेट कर दिया है अच्छी तरह से। इसको दबा के थोड़ा सा सेट करके छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर जो बाकी शुगर सिरप रहा है था कॉकटेल वाला वो मैं इसके ऊपर सोक कर दिया है दूसरे स्पंज के ऊपर भी। और इसको हम कवर कर देंगे केक को सब तरफ से व्हिपिंग क्रीम के साथ। व्हिपिंग क्रीम के साथ इसको कोट कर लेंगे, जो इसके क्रीम निकल रहे हैं केक के वो सब सेट हो जाएंगे।
सब तरफ से इसको अच्छी तरह से कोट करने के बाद मैं इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि जो क्रीम हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप शाम में चाहिए तो आप सुबह बना के रख दें या रात में बना के रख दें, तो आपका केक जो है बड़ा मज़ेदार बन के तैयार होता है घर में ही आपके हाथ से साफ़ सुथरा हाइजेनिक तरीके से। देखें इस तरह से मैं क्रीम को अभी गर्म कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर एक कोट और लगाएंगी क्रीम की। सब तरफ से क्रीम को कोट करने के बाद इसको मैं एक पेपर ले लिया, एक कार्ड ले लिया था मैंने साफ़ करके धो के, और उसको मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ केक को। मज़ेदार सा केक बन के तैयार हो गया है बेसिक। इसको मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में 1 घंटे के रखे लिए रखूँगी, फिर इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे हम फ्लावर की। केक ठंडा होके आ चुका है, मैं इसमें रेड व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैंने रेड फूड कलर ऐड किया था, तो इस तरह से ये फ्लावर बना रही हूँ मैं। पहले हम रेड फ्लावर बना लेंगे सारे, सी की शक्ल में बनाएंगे इस तरह से, फिर येलो कलर के फ्लावर बना लेंगे। छोटी न्यूज़ल लगाई है मैंने अब इसमें, तो इसमें छोटे फ्लावर बना रही हूँ मैं येलो कलर के। बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना होता है बस। और ये मैंने ऑरेंज कलर, रेड और येलो को मैंने मिक्स किया था, तो मेरे पास ऑरेंज कलर आ गया था, तो येलो इस ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ, और ये ग्रीन कलर की मैं इसमें लीव्स बना रही हूँ। बारीक छोटी वाली न्यूजल्स लगाई थी मैंने इसके अंदर, देखें इस तरह से ये लीफ बन गए हैं सब तरफ फ्लावर के। बहुत ही ब्यूटीफुल बन के तैयार होता है केक। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आप कैसी लगी मेरी रेसिपी, फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर करना रेसिपी को मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को क्लिक कर लें, इससे मेरी नए आने वाली हर वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे आपको और रेसिपी देने का इंस्पायरेशन हो, मैं आपको और अच्छी अच्छी रेसिपी इसी तरह से सिखाती रहूँगी। और इस तरह से देखें मज़ेदार सा फ्लावर केक बन के तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना रेसिपी, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। रेसिपी पसंद आती है तो दुआ में याद रखना, फिर लौट कर आऊँगी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।